Hello students, I am Muinuddin. I welcome all of you. In today's session, we will discuss about first poem of Flamingo book, belong class 12th. The name of first poem of Flamingo book, My Mother at 66, written by Kamala Das. Okay, actually Kamala Das hai. Kamala Das is an Indian poet. कमला दास जो है एक इंडियन पोइट हैं, बहुत ही मशहूर फेमस कह सकते हैं पोइट हैं ये। तो इन्होंने मतलब मलयालम में भी और इंग्लिश में भी बहुत सारे नावल्स एंड स्टोरीज लिखे हुए हैं। ये जो पोएम है आप देख सकते हैं कि कमला दास की एक्चुअली ये पोएम है, माय मदर एट 66। ठीक है, तो सी इज़ रिकग्नाइज्ड एज वन ऑफ इंडियाज़ फमोस्ट पोइट्स। ठीक है, कमला दास हैज रिटन मैनी novels and stories in English and Malayalam also. ठीक है, तो कमला दास ने बहुत सारी creations ऐसी लिखी हुई हैं, मलयालम में भी लिखी हैं और क्या कहते हैं कि वो इंग्लिश में भी इन्होंने कंपोज की हैं। ठीक है, तो ये जो poem है, दरअसल अगर मैं बात करूँ ना एक टाइप ऑफ poem, तो ये poem जो पोइट्री में अगर देखा जाएगा तो poem जो होती हैं वो दो टाइप्स की होती हैं, एक होती है फ्री वर्स, एक क्या होता है ब्लैंक वर्स poem। ठीक है, तो ये जो poem है क्या कहते हैं, ये जो एक्चुअली आई हैव अ बुक ऑल्सो किताब भी मेरे पास है, मैं फ़िलहाल जिसे पढ़कर आपको मतलब एक्सप्लेन करूँगा, आप बोर्ड पर भी देख सकते हैं, कोशिश करिए कुछ चीज़ें हो सकता समझ में आए, बाकी यू कैन टेक हेल्प योर टेक्स्ट बुक, अगर आपके पास कोई किताब है तो उससे भी आप सहारा ले सकते हैं, दैट्स इट। हाँ, तो मैं क्या बात कर रहा था कि ये जो पोएम है, ये जो पोएम है मैंने बोला दो पोएम दो टाइप की होती हैं, एक तो फ्री वर्स, एक क्या होता है ब्लैंक वर्स पोएम होती है। ठीक है, तो दिस पोएम इज रिटन इन अ फ्री वर्स, ये जो पोएम है ये फ्री वर्स में लिखी हुई, जिसका नाम है माय मदर एट 66। एक्चुअली होता क्या है फ्री वर्स पोएम में, क्या होता है कि देर इज़ नो राइम स्कीम फॉलोड इन अ पोएम एंड देर आर नो स्टैंजाज, कोई मतलब कोई ऐसा राइम स्कीम नहीं फॉलो की जाएगी, ना तो आपको श्योर किया जाएगा कि आप किस में सर्टेन स्टैंजाज इतने हैं, ये स्टैंजाज नंबर, ये ऐसा कुछ नहीं है। तो इस टाइप की जो पोएम होती हैं जिसमें कोई राइम स्कीम ना हो या स्टैंजाज ना हो, हम यूँ कह सकते हैं कि ये जो पोएम होती है ना, ये स्टैंजाज कतई होती ही नहीं है, द इंटायर पोएम जो होती है, इंटायर जो पूरी पोएम जो होती है इज वन सिंगल पीस, पूरा मतलब एक ही तरह से उसको लिख दिया जाता है, कहीं मतलब वो यदा कदा कामाज का यूज़ किया गया है, अदरवाइज़ इसमें कोई जो है राइम स्कीम वाला ऐसा मैटर नहीं होता है। इस टाइप की जो पोएम होती हैं उनको जो है फ्री वर्स में रखा गया है। ठीक है, तो ये फ्री वर्स है। एक्चुअली जो है एक अमेरिकन पोएट है जिनका नाम है वॉल्ट व्हिटमैन, आप लोगों ने शायद नाम सुना होगा उनका, तो वॉल्ट व्हिटमैन जो है सम स्कॉलर्स बहुत ही मशहूर स्कॉलर्स हैं, तमाम सारे ऐसे जीनियस हैं, तो सम स्कॉलर्स हैव कॉल्ड वॉल्ट व्हिटमैन फादर ऑफ फ्री वर्स, है ना, तो बहुत से लोगों का ऐसा मानना है कि जो है फ्री वर्स के फादर अगर देखा जाए तो उन किसको माना जाता है, जो आपने पोएम पढ़ी होगी काफ़ी अच्छी एलिजी पोएम उनकी लिखी थी, वो कैप्टन माय कैप्टन, उन्हीं के जो कंपोज़र हैं वॉल्ट व्हिटमैन, तो उनको फादर ऑफ फ्री वर्स माना जाता है ना। और एक जो ब्लैंक वर्स होता है ना, तो जॉन मिल्टन है, विलियम शेक्सपियर हैं, तो इन लोगों ने भी बहुत ज़्यादा काम किया है ब्लैंक वर्स पर। खैर, इसके बारे में डिस्कशन हम कभी बाद में करते हैं। खैर, तो लेट्स स्टडी इस पोएम के बारे में पहले पढ़ते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू नो अबाउट द पोएट ऑफ दिस पोएम, क्या नाम इनका, कमला दास। देख पा रहे होंगे ये जो माई मदर एट 66 है, इसको लिखा किसने, कमला दास ने लिखा हुआ है। कमला दास जो है ये एक इंडियन पोएट हैं, इन्होंने मैंने भी बताया ना, इंग्लिश में भी इन्होंने लिखा, मलयालम में भी इन्होंने बहुत सारी शॉर्ट स्टोरीज एंड नावल्स क्रिएट मतलब किए हैं। तो इनकी जो डेथ हुई है और जो पैदाइश इनकी है, तो ये मार्च डेथ सेम है ना, पैदाइश की भी और इनकी जो डेथ की जो डेथ है मतलब जो तारीख है वो एक ही है, मतलब 31 मार्च 1934 को इनकी क्या है पैदाइश हुई है, एंड मई मतलब मई के महीने में अगर देखें 31 मई 2009 यानी 2009 31 मई पुणे में इनका क्या इन्होंने टुक लास्ट ब्रीथ, मतलब कहते हैं अपनी आखिरी सांसें इन्होंने पुणे में ली थी 21 मई 2009, दैट्स इट। ये तो इन्होंने बहुत सारी जो है क्रिएशंस लिखी भी हुई हैं, इनके बारे में अगर बहुत सारे डिटेल में भी नहीं बताएंगे फिलहाल, नेक्स्ट वीडियो में हम अबाउट पोएट के बारे में बहुत ज़्यादा चर्चा करेंगे। खैर, इतना आप
आपको पूछा नहीं जाएगा इस ट्वेल्थ एग्ज़ाम में। तो फिर पहले हम क्या करेंगे कि ये पोएम है जहाँ स्टार्टिंग यहाँ से करती है कि भाई फ्री वर्स पोएम है, इन्होंने किस चीज़ के बारे में ज़्यादातर इन्होंने क्या बात किया है ना। तो सी इज़ अ सेंसिटिव राइटर हु कैप्चर्स द कॉम्प्लेक्स सबटलिटीज। तो सबटलिटीज़ का मतलब ये होता है जो बारीकियाँ होती हैं ना, सबटलिटीज़ ऑफ ह्यूमन रिलेशनशिप इन रिलिकल आइडिया, माई मदर इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ दैट, दैट्स इट। तो ये सारी चीज़ें हैं रही। तो अब पोएम जिसे कहने का मतलब ये है कि ये ज़्यादातर इन्होंने जो इस पोएम के थ्रू इन्होंने एक डर को एक्सप्लेन किया है, वो डर कैसा है, वो अपनी माँ से अलग होने का एक इनको एक डर है, ठीक है, कि इनकी माँ जो होती है ना तो वो जो है मतलब एक काफ़ी ज़्यादा कह सकते हो 60+ हो जाती हैं उम्र की, तो इनको ऐसा महसूस होने लगता है कि शायद इनकी माँ जो है अब इनके साथ ज़्यादा वक्त तक नहीं रह पाएंगी। तो ये थोड़ा इस चीज़ों को सोच सोच कर थोड़ा बहुत ज़्यादा इमोशनल भी हो जाती हैं ना। तो उन सारी चीज़ों को इन्होंने थ्रू दिस पोएम एक्सप्लेन की एक्सप्रेस भी किया है। तो वही सारी चीज़ें एक्चुअली हम लोग क्या है पढ़ेंगे। अब क्या है कि जब आप किताब पढ़ेंगे तो उसमें जो है पब्लिक कोई किसी भी पब्लिकेशन की होगी तो पब्लिशर लिखता है उसमें जो स्टार्टिंग में यही सारी चीज़ में लिखी है कि जो एजिंग इज़ अ नेचुरल प्रोसेस है ना। तो एजिंग क्या होता है, एक नेचुरल प्रोसेस होता है। हैव यू एवर थॉट व्हाट आवर इल्डरली पेरेंट्स है ना एक्सपेक्ट फ्रॉम अस, यानी कि एजिंग होता है। एजिंग का मतलब कहने का मतलब यह है कल आज आप 30 साल के हैं, कल आप 30 साल एक दिन के हो जाएंगे। तो ये नेचुरली प्रोसेस है, ये जो प्रोसेस चलते रहती है, दिस प्रोसेस कांट बी चेक्ड, किसी इस प्रोसेस को रोक भी नहीं सकता है ना। और क्योंकि आप एक एडविन अर्नाल्ड नाम का एक जो पोइट था, काफ़ी मशहूर पोइट है, जिन्होंने एक बहुत ही ग्रेट इपिक लिखी थी द लाइट ऑफ एशिया, ठीक है, तो उसमें उन्होंने मतलब एक लाइन जिसे ना लिखते हैं कि ना कि द वन हु लिव लॉन्ग हैज़ टू बी ओल्ड, डेफिनेटली जो इंसान ज़्यादा ज़िंदगी स्पेंड करता है जीता है उसको एक ना एक दिन बूढ़ा होना ही होता है। बट ये भी एक फैक्ट है कि एवरीबडी वांट्स टू लिव फॉरएवर बट नोबडी वांट टू बी ओल्ड, जीना तो हर कोई चाहेगा बट बूढ़ा होना कोई नहीं चाहेगा, ठीक है। तो एजिंग जो है नेचुरल प्रोसेस है, ठीक है, लेकिन इन्होंने कहा कि मतलब क्या हम लोगों ने कभी सोचा है कि हमारे जो पेरेंट्स हैं, हमारे जो वालिदैन हैं मतलब माँ बाप हैं जो, तो वो क्या आशा करते हैं, क्या उम्मीद रखते हैं हम आप लोगों से कि बचपन में उन्होंने हमें किस तरह से मतलब कि पाला है, किस तरह से उन्होंने परवरिश की है। तो हम लोगों की भी कोई ड्यूटी बनती है कि उनका भी हम लोगों को लुक आफ्टर करना चाहिए, किस तरह से करना है। ये सारी चीज़ें मतलब इन्होंने इस पोएम के ज़रिए से क्या एक्सप्लेन किया है। तो इस पोएम की जो पहली जो ओपनिंग जो लाइन है, एक्चुअली होता है क्या, ये जो कोची से कहाँ जा रही होती है मतलब एक घर तो अपने पेरेंट्स के घर से ये एयरपोर्ट पर जा रही होती हैं, तो वहीं पर क्या जब रास्ते में ये जाती है ना, जब कार पर बैठी होती है तो इन्हीं के बिसाइड इनकी माँ बैठी होती है कमला दास की। तो जब इनकी तरफ इनकी नज़र पड़ती है, ठीक है, जब इनकी जब आज अपनी कास्ट करती हैं उधर, तो इनको क्या लगता है कि मतलब वो थोड़ा हल्की से डोज ले रहे हैं, मतलब झपकी से सो रही होती हैं, तो आधा मुँह जो होता है ना खुला हुआ होता है, तो सब झुर्रियाँ पड़ जाती हैं गाल पे बुढ़ापे की वजह से है ना, ड्यूटी ओल्ड एज। तो उसमें जब देखती ना तो इनको ऐसा रियलाइज़ होता है कि शायद इनकी माँ ज़्यादा वक्त तक इनके साथ नहीं रह पाएंगी, तो वो थोड़ा उनको डर सा लगने लगता है। बिल्कुल वो ऐसा डर लगता है जैसे कि बचपन में होता है कि जब कोई बच्चा, हर कोई बच्चा जो अपने पेरेंट्स से सेपरेट होना नहीं चाहता, जैसे कि मुल्कराज आनंद की एक काफ़ी खूबसूरत नावल सारी स्टोरी भी पढ़ सकते हो, ठीक है, द लास्ट चाइल्ड, उसमें भी बच्चे की जिस तरह से सारी चीज़ें उसमें एक्सप्लेन की गई हैं। तो ये उसमें पता चलता है ना कि जो कि एक छोटा जो बच्चा जब होता है तो उसके लिए सब कुछ उसका होता है, उसके पेरेंट्स ही होते हैं। तो जिस तरह से बचपन में क्या होता है, कमला दास जब अपनी माँ से सेपरेट होने का उनको डर था, बिल्कुल वही डर इनको इस वक्त नज़र आ रहा है ना। तो ये जो पोएम जब इन्होंने लिखी थी, तो ये जो वाक्या हुआ था ये फ्राइडे के दिन, तो फ्राइडे मॉर्निंग के जब ये अपने पेरेंट्स के घर से कोची एयरपोर्ट जा रही होती है ना। देखिए कोचिन जो है कह सकते हैं मतलब ये एक जो केरला का एक शहर है, ठीक है, तो इसका जो पहले का नाम क्या था, जहाँ पर इसमें फ्राइडे की कोचिन था, अब इसको चेंज करके कोची कर दिया गया, पहले कोचिन था अब क्या है इसको कोचिन कर दिया गया, केरला का ये क्या है एक शहर है। तो उसी एयरपोर्ट पर अपने पैर अपनी मम्मी के साथ क्या है कार से जा रही होती हैं। तो कार से जब ये वहाँ घर से वहाँ तक का जो इनका जो वहाँ का सफ़र होता है, जर्नी करती हैं, छोटी सी ट्रिप करती हैं, तो वहाँ से जो भी चीज़ जो भी इंसिडेंट होता है उस चीज़ों को इन्होंने शेयर किया है थ्रू दिस पोएम, ठीक है, कि उनको जब देखती हैं, जब सो रही होती हैं, तो उनको क्या क्या चीज़ें रियलाइज्ड होती हैं, ये सारी चीज़ें इन्होंने क्या किए हैं शेयर। हर कोई भी अपने पेरेंट्स से प्यार करता है, हर कोई लिखना भी चाहता है, लेकिन ये कुछ चीज़ें हैं कि ये टैलेंट्स डिफ़र होते हैं। बहुत से लोग सिर्फ सोचते हैं, कुछ लोग उसको कलम से भी किताबों में क्या राइट भी कर सकते हैं, तो ये सब टैलेंट अलग अलग। तो कमला दास क्या करती हैं, एक सुबह फ्राइडे के दिन होता है ये अपने पेरेंट्स के घर से क्या करते हैं कोची रवाना हो जाती हैं। और तो स्टार्ट करते हैं पोएम।
ये लिखा है ड्राइविंग माई पेरेंट्स होम टू कोचिंग लास्ट फ्राइडे मॉर्निंग, ये लिखा हुआ है ड्राइविंग फ्रॉम माई पेरेंट्स होम टू कोचिंग लास्ट फ्राइडे मॉर्निंग। कमला दास जो हैं, जो इस पोएम को लिखने वाली जो हैं, वो अपनी माँ के साथ, उनके माँ अपने माँ बाप के घर से क्या है, कोचिंग के लिए जा रही होती कार से, ठीक है। तो वहीं क्या है, आयशा माई मदर बिसाइड मी, तब क्या है, ये जब अपनी माँ की तरफ देखती हैं, जो इनकी वो माँ जो इनके पास बैठी होती हैं, यानी कि कमला दास की माँ कमला दास के पास बैठी होती हैं। डोज ओपन माउथड हर फेस, वो क्या होती हैं, उनका जो मुंह होता है वो खुला हुआ होता है, वो डोज कर रही, यू नो डोज का मतलब होता है स्लीपिंग स्लाइटली, है ना, हल्के से जो मतलब कभी कभी झपकी आती है ना, उस तरह से इनकी माँ सो रही होती है, इनका मुंह खुला हुआ होता है। हर फेस अशन लाइक दैट ऑफ अ कॉप्स, तो कॉप्स का मतलब होता है डेड बॉडी, है ना। अशन का मतलब ये होता है जब किसी के चेहरे के एक्सप्रेशन को हम लोग बयां करते हैं, तब वहाँ पर हम ऐसे वर्ड को यूज़ करते हैं, यानी उनका जो चेहरा था तो ऐसा लग रहा था लाइफलेस, यानी कोई बेजान सी चीज़ पड़ी हुई, ऐसा इनको रियलाइज़ हुआ था जब इन्होंने अपनी माँ की तरफ देखा था रास्ते में कोची की तरफ जाते हुए, ठीक है। आई एंड रियलाइज्ड विद पेन दैट शी वॉज एज ओल्ड एज शी लुक्ड, तो इनको थोड़ा मतलब एक कह सकते हैं थोड़ा परेशानी होती देखकर, थोड़ा दुख हो जाता है इनको अपनी माँ को देखते हुए, उस कंडीशन को उस दशा को देखते हुए इनको थोड़ा दुख होता है। इनको इनके अकॉर्डिंग ये है कि इनकी माँ बिल्कुल उतनी ही दिखती थी जितनी की उनकी उम्र थी, यानी वो उतनी ही बूढ़ी हो गई थी जितनी की उनकी एज थी, है ना, ये चीज़ बताए। बट सून बोले तो जल्दी होता है ना, लेकिन जल्दी क्या है, पुट दैट थाट अवे, लेकिन इन तमाम से जो दुख वाले जो दुखदाई विचार थे, इन विचारों से बचने के लिए क्या है, जो कमला दास थी लुक्ड आउट, तो इन्होंने क्या है अपने मतलब खिड़की जो थी, वो जो शीशे होते हैं ना कार के जो, तो उस मतलब इन तमाम जो ख्यालात आ रहे हैं इनके बचने के लिए, दूसरी तरफ देखने लगती हैं एट यंग ट्रीज़, यानी जब देखने लगते हैं तो जो छोटे छोटे जो पेड़ होते हैं, तो यहाँ पर इसे लिखा यंग ट्रीज़ स्प्रिंटिंग, स्प्रिंटिंग का मतलब दौड़ना, यानी देखा कि छोटे छोटे पेड़ होते हैं वो दौड़ रहे होते हैं, है ना। द लिखा मेरी चिल्ड्रेन आउट ऑफ देयर होम्स, तो जब मेरी चिल्ड्रेंस होता है, मेरी मतलब जो हसमुख बच्चे होते हैं, मतलब खुशमिजाज जो बच्चे हैं छोटे छोटे, वो खेलने कूदने की नियत से वो अपने घरों से क्या है बाहर आते हैं, कुछ ऐसा नज़ारा था जब वो खिड़कियों के बाहर देख रहे थे उन तमाम दुखदाई विचारों से बचने के लिए। ओके, आउट ऑफ दियर होम्स बट आफ्टर द एयरपोर्ट्स चेक, लेकिन कहने का मतलब देखिए यहाँ पर ये को सिम्बलाइज किया गया है, लिटरेरी मीनिंग तो इसकी यही है कि जो पेड़ थे वो दौड़ रहे थे, बच्चे भी अपनी खुशी में खूब मतलब मौज मस्ती कर रहे थे, लेकिन यहाँ पर जो सिम्बलाइज किया है यहाँ पर, तो उसका मतलब ये होता है ना कि जो मतलब इतनी स्पीड से, कहने का मतलब पेड़ दौड़ते थोड़ी ना, जब हम खिड़कियों के बाहर जब ट्रेन से सफ़र कर रहे होते हैं, बस से सफ़र कर रहे होते हैं, तो जब हम देखते हैं बाहर जितनी स्पीड में गाड़ी हमारी चल रही होती है, तो उतनी स्पीड में जो रास्ते में जो भी घर मकान जो पेड़ पौधे पड़ते हैं, तो ऐसा लगता है वो बड़ी स्पीड में अपोजिट डायरेक्शन की ओर क्या है वो भी उतनी स्पीड में चल रहे होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर इसको जो सिम्बलाइज किया गया है उसका मतलब यही होता है ना, टाइम हैज़ पास्ड फास्ट पेस, है ना, तो वक्त जो है बड़ी स्पीड से गुजर जाता है, बचपन से बूढ़े कब हो जाते हैं पता ही नहीं चलता है। और फिर यहाँ पर जो बताया गया है कि द मेरी चिल्ड्रंस, यहाँ पे लिखा है ये जो, तो ये मेरी चिल्ड्रन इनको बारे में भी बताया कि जो बच्चे होते हैं जवान युवा होते हैं ना, तो उनके अंदर वीगर होता है, हैप्पीनेस होती है, पावर होती है, एनर्जी होती है, सारी चीज़ें होती हैं, बट अब इनकी माँ के अंदर वो सारी चीज़ें नहीं रहीं, इसलिए थोड़ा दुखी हैं इन चीज़ों को देख कर। ओके, फिर क्या है यहाँ पर, जैसे चिल्ड्रंस सॉरी तो देयर होम बट आफ्टर द, जब ये एयरपोर्ट पर पहुँचती हैं वहाँ पर सारे चेकिंग हो जाती है, जब भी चेक सिक्योरिटी चेक्स के बाद स्टैंडिंग अ फ्यू यार्ड्स अवे, तो स्टैंडिंग अ फ्यू यार्ड्स अवे का मतलब क्या होता है, यानी खड़े होकर फिर से दोबारा जब देखती हैं, फ्यू यार्ड्स का मतलब एक यूनिट होती है ये मेज़र की, मतलब किसी चीज़ को जब मापते हैं उसको अप्रॉक्स 3 फीट होती है मतलब, ठीक, तो उसको थोड़ी दूरी पर खड़े होकर जब अपनी माँ की तरफ दोबारा देखते हैं, आई लुक्ड अगेन एट हर, जब अपनी माँ की तरफ इन्होंने दोबारा देखा, लिखा वैन पेल एज अ लेट विंटर्स मून, तो वो कैसी दिख रही थी एकदम, वैन का मतलब ये होता है कलरलेस, जिसमें कोई कलर ना हो, मतलब उदासी छाई हो, चेहरे पर पीलापन नज़र आ रहा हो, है ना। और यहाँ पर उन्होंने कंपैरिजन किया है लेट विंटर्स मून, यानी जाड़ों के समय जब क्या होता है, जब जिस तरह चांद निकलता है ना, तो वहाँ पर उसके कोई ग्लो नहीं होती, कोई चमक नहीं होती है, उसी तरह से इनकी माँ का भी हाल था, यानी बिकॉज ऑफ ओल्ड एज, है ना, हर ग्लो ऑफ फेस वॉज गॉन, वो भी क्या था पूरी से कह सकते हो खत्म हो चुका था, जा चुका, दैट्स वाई सी वॉज वेरी सैड, यू नो। ओके, तो ये सारी चीज़ें इसमें शेयर की हैं, एंड फेल्ट दैट
ओल्ड फैमिलियर एक्ट, तभी इनको फिर वही पुराना जाना पहचाना सब, मतलब दर्द या वही इस तरह की फीलिंग्स, दुख वाली जिन चीज़ों को दिलों को इमोशनल कर देती हैं, ऐसी फीलिंग्स फिर से पैदा हो जाती हैं उन चीज़ों को जब दोबारा रिमाइंड करती हैं, जब दोबारा अपनी माँ की तरफ देखती हैं। माई चाइल्डहुड्स फेयर, जब उनके बचपन का, मतलब जैसे कोई बच्चा अपने मम्मी पापा से जब सेपरेट होता है तो उसको वो जो दुख होता है, जो अजीब अजीब फीलिंग्स आती हैं, वही इनसे स्टार्ट फिर वहीं पर हो जाती हैं। बट ऑल आई सेड वॉज, जो लेकिन उन्होंने कुछ भी नहीं कहा था, सी सेड नथिंग एट दैट टाइम, उस वक्त उन्होंने कुछ भी नहीं कहा सिवाय किसके, एक्सेप्ट सी सेड दैट सी यू सून अम्मा, उन्होंने सिर्फ इतना कहा था कि अम्मा हम आपसे जल्द ही मिलेंगे, और कोई भी उन्होंने कोई अल्फाज को ऐसे वर्ड्स नहीं कहे थे। उनको मालूम था कि अगर ये उस वक्त का थोड़ा रोती दुख जाहिर कर दी तो इनकी माँ उससे भी ज़्यादा इन पर इफेक्ट पड़ता, डैट्स वाई सी सेड नथिंग टू मदर। ओके, ऑल आई डिड वॉज स्माइल एंड स्माइल एंड स्माइल। फिर क्या उन्होंने कहा था कि जो कुछ भी उन्होंने कहा था, उन्होंने कुछ नहीं कहा था, इतना कहा उसके बाद सिर्फ मुस्कुराते रहे मुस्कुराते रहे मुस्कुराते रहे। यानी कि एक वर्ड को कई बार रिपीट होना मतलब ये नहीं होता, सिर्फ इसको एम्फेसाइज करता है पोएट कि इससे मुस्कुराने के अलावा उन्होंने कुछ नहीं कहा था। यानी कि ऐसा कहा जाता है, इट इज़ सेड दैट कि मतलब जब किसी हम इंसान को हम सी ऑफ करते हैं, विदा करते हैं, तो हंसी खुशी के साथ जब विदा करते हैं, दो चार दिन की ज़िंदगी उसके और इंक्रीज़ हो जाती है। अगर क्या होता है, मान लीजिए उसको परेशानी दे, डिप्रेशन में डाल दें, टेंशन दे दें, तो दो चार की ज़िंदगी भी हो क्या उसके और थोड़ा कम हो जाती है, डेट्स इट, है ना। ये सारी चीज़ें, हालांकि एवरीबडी नोज है ना दिस अबाउट दिस यूनिवर्सल फैक्ट दैट डेथ इज़ यूनिवर्सल फैक्ट, द वन हु हैज़ कम टू दिस वर्ल्ड हैव टू गो वन डे डेफिनेटली, टू डे अर्लियर आर टू डे लेटर, है ना। ये सारी चीज़ें होती हैं कि मतलब जो आया जाना तो है, ये बावजूद इसके भी हम लोगों को थोड़ा सा वो होता ही है ना कि मतलब इतने दिन कोई साथ रहता है सब, फिर भी अलग होता है, तो सेपरेशन का वो थोड़ा दर्द है, दुख है, वो तो होता ही है, बावजूद इसके कि एक दिन डेफिनेटली अलग होना है ना। इसे एक लाइन कहते हैं ना कि इस ज़माने में कहाँ किसका भला होना है, हर मुलाकात की किस्मत में जुदा होना है ना। ये हम यूँ कह सकते हैं, वन थिंग डज नॉट स्टे रिमेन द सेम एट ऑल इन दिस वर्ल्ड, है ना। एक चीज़ हमेशा वैसी नहीं रह सकती है, कितना करीबी हो कोई भी हो, एक दिन आपसे उसे सेपरेट होना है डेफिनेटली, दिस इज यूनिवर्सल फैक्ट। ओके, तो आई होप आप लोग समझ गए होंगे ये पोएम। तो इसमें हम थोड़ा पोएटिक डिवाइस के बारे में थोड़ा हम चर्चा कर लेते हैं, बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे जैसे लिखा हुआ है, ये होम है, टू है, कोचीन है, तो यहाँ पर ओ है, यहाँ ओ है, यहाँ पर। एक्चुअली होता क्या है, जब किसी लाइन में एक से ज़्यादा जो वर्ड होते हैं उसमें बीच में या कहीं पर किनारे पर, स्टार्टिंग में या मिडल में कोई सेम वावल यूज़ किया जाता है तो उसको एसोनेंस कहते हैं, ये फिगर ऑफ स्पीच होता है एसोनेंस। ओके, यहाँ पर लिखा ऐसा माई मदर, माई मदर बिसाइड मी, जब किसी लाइन में किसी भी के मोर देन वन वर्ड होते हैं लेकिन उनकी स्टार्टिंग सेम कॉन्सोनेंट से होती है, ना कि वावल से हो, तो यहाँ पर एम से एम, एम ये कॉन्सोनेंट है, तो यहाँ पर एलिट्रेशन फिगर्स ऑफ स्पीच होता है। ओके, यहाँ पर लिखा है जैसे यहाँ पर हर फेस असन लाइक देट, तो लाइक है, एज है, देट, तो यहाँ पर डेड बॉडीज की तुलना की गई इनकी माँ की, तो यहाँ पर लाइक, एज, सो, देन, ये सब आते हैं कंपेरिजन बिटवीन टू अनलाइक ऑब्जेक्ट, वहाँ पर सिमिली फिगर्स ऑफ स्पीच होता है। ठीक है, यहाँ पर भी एज वर्ल्ड एज सी लुक्ड। ओके, फिर यहाँ पर लिखा एट यंग ट्रीज स्प्रिंटिंग, यंग ट्रीज स्प्रिंटिंग का मतलब यहाँ पर इमेजिनरी भी कह सकते हैं, इमेजिनरी फिगर्स ऑफ स्पीच, वरना यहाँ पर देखा है कि यंग ट्रीज जो पेड़ पौधे थे वो दौड़ रहे थे, दौड़ नहीं दौड़ते हैं, परसोनिफाई किया गया है, परसोनिफिकेशन कह सकते हैं। द मेरी चिल्ड्रंस आउट ऑफ ट्रीज, यहाँ पर मेटाफर है। ठीक है, ये सब फिगर्स ऑफ स्पीच हैं, ये आपको काफ़ी मदद करें, एग्जाम में पूछे भी जाते हैं दरअसल। ठीक है, एट और यहाँ पर जैसे लिखा पेल एज अ लेट विंटर्स मून, यहाँ पर कंपैरिजन पोएट ने किया है माँ के चेहरे को किससे, विंटर मून से किया, यहाँ पर भी सिमिली है। ठीक है, और यहाँ पर क्या है, आई सेड वॉच सी यू सून अम्मा, तो एस यहाँ पर भी, यहाँ पर भी ऐसा भी ऊपर बताया है कि जब ए मोर देन वन वर्ड हो उनकी स्टार्टिंग सेम कॉन्सोनेंट से, वहाँ पर एलिट्रेशन नाम का फिगर्स ऑफ स्पीच यूज़ किया जाए, बोला जाता है उसे। एंड आई सेड यहाँ पर लिखा स्माइल एंड स्माइल एंड स्माइल, तो यहाँ पर कहने का मतलब है स्टार्टिंग में सब कहीं पर एस भी आया, एस भी आया है, तो इसको हम क्या कहते हैं, एलिट्रेशन भी है, बट यहाँ पर वर्ड सेम है, वर्ड एक वर्ड कई बार रिपीट होता है उसको हम रिपीटेशन कहते हैं। ठीक है, तो आई होप आपको ये पोएम समझ में आई होगी, है ना। तो अब जो है विद दिस वर्ड्स आई वॉन्ट टू कंक्लूड this poem. If you have any doubt, please free to write your comment in comment box and I'll try to reply you. Thank you.